चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, ठीक है? और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उनको भी डील करेंगे, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक? चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में एसएससी सीजीएल के पेपर में 2020 में अपीयर हुआ था, ठीक है? चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हमारे पास में रेक्टेंगल्स हमें काउंट करना हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है? मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया होता, जनरल एप्टीट्यूड का सेशन था, ठीक है? चलिए मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जब भी हमारे पास में रेक्टेंगल हमें काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस गिनते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइंस गिनते हैं और वर्टिकल लाइन गिन लेते हैं, ठीक है? वर्टिकल लाइंस गिन लेते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले इस पार्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला जो सेक्शन है मैं इसके बारे में पहले बात करता हूँ, ठीक है? देखिए, तो हमारे पास में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार, ठीक है? तो चार हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल लाइंस कितनी है, एक दो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए। तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस है एक दो तीन चार और वर्टिकल लाइंस है एक दो, ठीक है? तो चार हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारे पास में और वर्टिकल लाइन कितनी हो गई हमारे पास में, दो। तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, चार वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में से किसी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? और दो वर्टिकल लाइंस में से किसी दो वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत होती है और दो वर्टिकल लाइंस की जरूरत होती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे पास में अवेलेबल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनमें से दो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कर रहे हैं, आपस में सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? उन चार हॉरिजॉन्टल लाइंस में से हमने क्या किया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, फोर थ्री चला जाएगा और आ जाएगा सिक्स और टू सी टू होता है वन, तो छः। तो सिक्स रेक्टेंगल्स हमारे पास में सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से हमें मिल गए, ठीक है? चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास में ये वाला तो केस क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला, इस वाले पार्ट को काउंट करते हैं कि इस वाले पार्ट में कितने हमारे पास में रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है? देखिए, तो हमारे पास में यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, सेवन सी टू, सात हॉरिजॉन्टल लाइंस में से हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इनटू और वर्टिकल लाइंस कितनी है, एक और दो, ठीक है? तो टू सी टू, ठीक है? सेवन सी टू कितना होगा हमारे इसमें, सेवन सिक्स फाइव चला जाएगा, दो सॉरी सॉरी हमारे पास में कितना आ जाएगा, सेवन सिक्स फाइव चला गया, ठीक है? दो से थ्री तो सेवन ट्वेंटी वन और टू सी टू हो जाएगा वन, दैट मीन्स हमारे पास में कितना आ जाएगा, 21, ठीक है? तो इस वाले पोर्शन के लिए हमारे पास में कितने रेक्टेंगल्स आ गए, ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए आ गए हमारे पास में 21 रेक्टेंगल्स, और इस वाले पोर्शन के लिए कितने आए हैं, 6, ठीक है? अब ये जो ये वाला पोर्शन है इसके लिए काउंट करते हैं, ठीक है? थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, देखिए। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार, तो चार हॉरिजॉन्टल लाइंस में से मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और वर्टिकल लाइंस कितनी है, दो, तो दो वर्टिकल लाइंस में से मैंने दो वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, फोर सी टू हमारे पास में आएगा सिक्स और टू सी टू होगा वन, तो यहाँ से भी आ गया हमारे पास में सिक्स। तो टोटल हम अगर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, छ प्लस छ बारह, बारह और इक्कीस हमारे पास में आ जाएगा 33, ठीक है? तीनों को अगर
ऐड करेंगे 6 + 6 + 21 तो हमारे पास में आंसर मिलेगा हमें 33, ठीक है, जो कि क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास में 33 वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास में सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट ले सकते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आई होप आपने ईमानदारी से एक बार अटेम्प्ट लिया होगा इस क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास में एक सीरीज दे रखा है 17, 21, 30, 46, 71, ठीक है। तो जो नंबर हमारे पास में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस एक बार चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है डिफरेंस। 17 + 21, 21 + 9, 30, 30 + 16, 46, 46 और अगर हम 25 जोड़ेंगे तो आएगा 71, ठीक है। हमको नेक्स्ट नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न दिखना चाहें तो हमारे पास में पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास में 4 है जो कि 2 का स्क्वायर, 9 हमारे पास में है 3 का स्क्वायर, 4 हमारे पास में है, सॉरी 16 हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 25 हमारे पास में है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो क्या होने वाला है, 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो अगर हम 71 में 36 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो 71 और 36 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6, 7 और 7, 3, 10, दैट इज 107 हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 107, ठीक है। तो हमारे पास में जो पैटर्न क्या बन रहा था, जो इनका डिफरेंस था वो हमारे पास में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। इस पैटर्न में हमारे पास में सबका स्क्वायर के पैटर्न में बन रहा था, ठीक है, तो हमने बिठा लिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में सीरीज का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में सीजीएल का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी हमारे पास में सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन रैंडमली कहीं से भी उठा कर रख दिया, मैं वही क्वेश्चंस लेता हूं जो हमारे पास में स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम में अपीयर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारे पास में जो नंबर्स का पैटर्न दिया गया वो दिया गया है 17, 19, 22, 27, 34, 45, 58 और लास्ट वाला हमसे पूछा गया यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए फिर हमारे पास में नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो हमारे पास में इनका डिफरेंस का कोई पैटर्न बन रहा होगा या तो फिर कुछ और देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस है 5, ठीक है, 2, 3, 5। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए हमारे पास में कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ तक तो हमारे पास में 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़े, सॉरी यहाँ पर फिर 2 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज होता है, तो हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 11 का। तो हमारे पास यहाँ पर कोई पैटर्न तो हमें नहीं दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ पर देखते क्या हो रहा है। तो ठीक है यहाँ पर हमारे 13 बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से करके इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो कोई पैटर्न हमारे पास में यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं क्या होने वाला। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस नंबर को और इस नंबर को और इस नंबर को, ये सारे नंबर्स जो हमारे पास में यहाँ लिखे हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। पैटर्न देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है हमारे पास में, बीच में 9 अगर होता तो ये प्राइम वाला जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो हमारे से 7 के बाद सीधा 11 है, फिर 13 है, तो हमारे से 13 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है, 17, ठीक है। तो 17 अगर हम प्राइम नंबर डाल देंगे यहाँ पर तो हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला नंबर 58 + 17, 8, 7, 15 का 5, 5, 6 और 1, 7, ठीक है, जो हमारे पास में 75 आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 75, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर हमें फिल करना होगा वो कौन सा फिल करना होगा, 75, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में ये।
ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तुम्हारे पास में नंबर्स दिए गए हैं 50, 48, यहाँ पे दिया गया है 30. उसके बाद नंबर दिए गए हैं 56, 32, 40. ठीक है, उसके बाद यहाँ सबसे नीचे दिया गया है 350, 192, और यहाँ पर हमारे पास बोला गया क्वेश्चन मार्क जो कि हमें फिल करना है. ठीक है, मैं यहाँ पे डैश बना देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, चलिए. तो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो देखिए, हमारे से हॉरिजॉन्टल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 24. ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस तो काफी ज्यादा है. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल पैटर्न तो यहाँ पर कोई फॉलो नहीं हो रहा. ठीक है, तो हम या इसको इरेज कर देते हैं, आप शायद कोई वर्टिकल पैटर्न चेक करते. तो यहाँ देखिए, हमारे पास में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले नंबर और सेकेंड वाले नंबर दैट इज 48 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 32 को भी अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास में 24, और यहाँ पर आ रहा है 16. इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 384, जो कि इसका डबल है. दैट मीन्स 384 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें मिल जाएगा 192. ठीक है, ये वाला पैटर्न इस पर्टिकुलर कॉलम पे बन रहा है. अब हमें चेक कर लेते हैं कि क्या ये पैटर्न तीनों में बैठ रहा है. चलिए, तो इसको चेक कर लेते हैं. तो 50 को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 56 को भी डिवाइड किया 2 से, ठीक है, क्या आएगा 25, और यहाँ पर आएगा 28. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 700, उनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 350. तो हमारे पास में सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाले कॉलम पे भी. दैट मीन्स जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है. तो ऑब्वियसली कि जो हमारे पास में थर्ड वाला है कॉलम उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा. ठीक है, देखिए कैसे, 30 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 15, और यहाँ आ गया 20, तो कितना आ जाएगा 300, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 150, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर होने वाला है. ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न हमारे पास में तीनों पे बैठ रहा था. ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ वर्टिकल पैटर्न बैठ रहा था. हो सकता था यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल पैटर्न बैठता तो मैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे बना लेता. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी जो कि हमारे पास में है 150. ठीक है, करेक्ट आंसर 150. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. आपको बस ये क्लियर करना है कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन रहा है या फिर वर्टिकल पैटर्न बन रहा है, और कोई एक ऐसा पैटर्न जो कि तीनों को फॉलो कर रहा हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को फॉलो करे और दूसरे को ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए बात करते हैं सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन जो कि इसी पैटर्न पे है. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में नंबर्स का एक पैटर्न दे रखा है गिवन पैटर्न पे, और हमें बताना है कि ये वाला नंबर कौन सा होगा. ठीक है, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर. देखिए, तो हमारे पास में पैटर्न खोजना, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे यहाँ पे देखें तो हमारे पास में पहले रो का जो मेंबर्स है वो है 10, 4, 14, 35. ठीक है, तो और हमारे सेकंड रो का जो कॉलम है, सेकंड रो का जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास में है 15, 3, 5, 25. ठीक है, थर्ड रो की मैं बात करूँ तो 14, 7, 6, 12, लास्ट रो की मैं बात करूँ तो 18-8-16. ठीक है, क्लियर. अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस पहले वाले रो की, तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 10 × 14 / 4, दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2 × 7 = 35. ठीक है, तो हमारे से ये लास्ट वाला नंबर हमें मिल गया. सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकंड वाले रो की, तो 15 × 5 / 3, 15 × 5 / 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में 25, जो कि हमारे पास में यहाँ दिख रहा है. ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले रो में भी 14 × 6 / 7, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 12, जो कि हमारे पास में यहाँ दिख रहा है. ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में तीनों पे फॉलो हो रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न, तो लास्ट वाला जो रो है उस पे भी फॉलो होगा. दैट मीन्स 18 × 8 /
जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 16 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ एक्स है, ठीक है। तो अभी इस एक्स को लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू एक्स, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 9, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 9। तो हमारे पास में यहाँ क्या फिल कर सकता हूँ मैं, 9, ठीक है। ये वाला नंबर मैं क्या फिल कर सकता हूँ, 9। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में पर्टिकुलर पैटर्न क्या बन रहा था, मैं कलर चेंज करके एक बार लिख देता हूँ, देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, हमें क्या दे रहा था, लास्ट वाला नंबर दे रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो में भी यही हो रहा था, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल गिव 25, 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, दैट विल गिव 12, 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9, दैट विल गिव 16, ठीक है। यही पैटर्न बन रहा था जो कि चारों पे फॉलो हो रहा था, चारों रो पे। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास वर्टिकल पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर हमारे पास में हॉरिजेंटली पैटर्न बन रहा था, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में सीजीएल का ही क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक बार खुद से अटेम्प्ट ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ईमानदारी से एक बार अटेम्प्ट लिया होगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हमसे पूछा गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 5, ठीक है। चलिए देखते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, 2√5x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास में आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2√5, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम क्या कर ले, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया, इसका यूज करेंगे हम। अब देखिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, और इस साइड अगर स्क्वायर कर दें, हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 18, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट और आ गया। चलिए तीसरा इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर होल क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2√5 का भी क्यूब करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए क्यूब मैं क्यों कर रहा हूँ, सब आपको क्लियर हो जाएगा क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। देखिए तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40√5 यही आएगा, 40 इंटू √5 यही आएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखी है 2√5, तो उसका हमने यहाँ पर यूज कर लिया, इज इक्वल टू 40√5। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 34√5। कैसे किया मैंने, जस्ट 40 में से 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीन रिजल्ट आ गए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2√5 आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 34√5 आ गई, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 5 पूछा है। तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे
दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब वाली की वैल्यू क्या थी, 34√5, दैट इज 34√5 मल्टीप्लाइड बाय, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 18। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए देखिए क्या आता, मुझे तो ऑलरेडी पता बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं होता मैं डायरेक्ट लिख देता, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी। आप देख लीजिए, चेक करिए, तो हमारे पास में अगर 34√5 इंटू अगर आप 18 करेंगे तो आपको मिलने वाला हमारे पास में यहाँ 612√5, दैट इज 612√5, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 2√5 हमने बता रखी है, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे कैरी आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, 2√5 इज इक्वल टू 612√5, ठीक है। अब ये अगर इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 610√5, तो क्या आ गया, x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 की वैल्यू आ गई 610√5, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में करेक्ट दिख रहा है, 610√5, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास में, सीजीएल का क्वेश्चन था 2020 का, ठीक है। अगर आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जस्ट हो सकता है सिर्फ यही पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या फिर क्यूब वाला पूछ दे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली थी, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा गया था एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर मैंने हर एक चीज को डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, तो आप एक बार अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी गर्ल्स हैं, 5, तो मैं 5 स्पेस बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सीमा को कहीं भी बिठा देते हैं, ये लीजिए मैंने सीमा को बैठा दिया, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ रानी। तो सपोज करिए अगर रानी यहाँ बैठी है तभी तो सीमा यहाँ बैठी है उसके लेफ्ट में, ठीक है, तो रानी के लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर दिया, सीमा को बैठा दिया, ठीक है। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, जो सीमा है वो बिंदु के राइट में है, तो मैं बिंदु को यहाँ बैठा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने पहला वाला जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करा दिया, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी था, ठीक है, तो सीमा को मैंने रानी के लेफ्ट में बिठा दिया, और बोला गया था एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के राइट में सीमा को बैठना था, तो बिंदु के राइट में मैंने सीमा को बिठा दिया, ठीक है। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रानी जो हमारे पास में, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, ठीक है, तो मैरी जो है वो रानी के राइट में है। अब इमीडिएट राइट में है या फिर दूर में है वो तो नहीं बोला गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं मैरी को यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है। मैरी, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, ठीक है। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, ठीक है, तो रीता जो है वो रानी और मैरी के बीच में है, तो मैं रीता को यहाँ बिठा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो रीता है वो रानी और मैरी के बीच में है, तो मैंने उसको यहाँ बिठा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू द रीता, रीता के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो भाई मैरी बैठा हुआ, मैरी बैठी हुई है, सॉरी, ठीक है, तो रीता के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मैरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी बोला गया, इमीडिएट राइट नहीं बोला गया, अगर यहाँ पर इमीडिएट राइट बोला होता, मैरी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी, तो मैं यहाँ पे बिठा देता मैरी को, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास में बोला गया था यहाँ पर मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, तो मैंने
मैरी को रानी के जस्ट राइट बिठा दिया, इधर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारे हमसे पूछा गया था हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता, तो रीता के जस्ट राइट में कौन बैठा है, तो मैरी बैठी है। तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है एक्स रेस्ट टू द पावर फोर, ठीक है, एक्स रेस्ट टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर फोर इज इक्वल टू 194, ठीक है। हमसे पूछा गया देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर फोर इज इक्वल टू 194, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उसको मैं लिख सकता हूँ 194 प्लस 2 का रूट ओवर दैट इज 14, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब कैसे लिख रहा हूँ ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ 14 है, ठीक है, आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, देखिए कितना आएगा 196, और इसका स्क्वायर करिएगा तो आएगा हमारे पास में दिस प्लस 2, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 194, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ तो मैं जस्ट इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। चलिए सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट अंडर 14 प्लस 2, दैट इज हमारे पास में क्या, तो यहाँ पर हमारे पास में आने वाला है 4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 4, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अब इसको मैं अगर लिख लूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सही बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली थी। तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन डी जो कि होगा यहाँ पर 3, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 3, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स रेस टू द पावर 4 वाले पैटर्न से हमने स्क्वायर वाला पैटर्न निकाला, और स्क्वायर वाले पैटर्न से हमने एक्स वाला पैटर्न निकाला, और इस एक्स वाले पैटर्न से हमने क्या कर लिया क्वाड्रेटिक बनाया, और क्वाड्रेटिक से जस्ट इस फॉर्मेट में हमने एक्स माइनस 2 के फॉर्मेट में लेके आ गए और वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।